हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पर। यदि आप लोग कोडिंग डिकोडिंग पे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो क्वेश्चन नंबर वन कर रहा है, किसी कोड में 329 का अर्थ है गॉड इज लव, मतलब 329 का जो अर्थ है, 329 इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। किसी कोड में 329 का अर्थ है गॉड इज लव, मतलब कि 329 का अर्थ है क्या, गॉड इज लव। इसका हिंदी नहीं निकालना है कि गॉड प्यार करते हैं या कर रहे हैं, सब करना नहीं है, ठीक है ना। 927 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल, 927 मतलब क्या, 927 अलग अलग पढ़ना है, का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल, लव जो है ब्यूटीफुल होता है, तो लव इज ब्यूटीफुल। तो कह रहा है कि गॉड का कोड क्या है, मतलब कि जीओडी बराबर क्या होगा, जीओडी बराबर व्हाट, यही ना पूछ रहे हैं हमसे। एक बात देखिए, दोनों जगह पे कॉमन देखें कि क्या क्या है, इज लव और इज लव, लव इज और इज लव क्या है, दोनों जगह कॉमन है कि नहीं है, इज लव या लव इज क्या है, दोनों जगह कॉमन है। तो दोनों में यहाँ पर देखें कि जो है इज लव और लव इज कॉमन है, तो यहाँ पर देखें कि कौन कौन सा कॉमन है, तो 2-9 यहाँ पे भी है, 9-2 यहाँ पे भी है, मतलब क्या है, ये दोनों कॉमन है दोनों जगह, ये दोनों कोड किसका है, लव इज का या इज लव का। तब एक बताइए, यहाँ पे गॉड का कोड क्या हो जाएगा, इज लव का कोड क्या हो गया, 2-9, तो गॉड का क्या बच गया, 3, तो गॉड का जो है कोड 3 है, गॉड का कोड 3 है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि ब्यूटीफुल का कह देता तो क्या, तो लव इज का क्या हो गया, 9 और 2 हो गया, तो बच गया क्या, 7, तो 7 किसका बच गया, ब्यूटीफुल का ही नहीं, यहाँ पर एक ही है, तो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल बराबर कितना हो जाएगा, यदि हमसे पूछ देता कि ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा, तो ब्यूटीफुल का कोड 7 होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, किसी कोड में 253 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड, मतलब कि बुक्स पुराना है, ये सब हिंदी करना नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम में कि 253 का अर्थ है क्या, बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड। 5, 4, 6 का अर्थ है मैन इज ओल्ड, 5, 4, 6 का अर्थ क्या है, मैन इज ओल्ड। अब एक बात बताइए, दोनों जगह पे आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ओल्ड, तो ओल्ड को घेरा दे दीजिए ओल्ड। अब ये दोनों जगह पर क्या है, ये वर्ड क्या है, कॉमन है, तो यहां पर देखिए कौन सा कॉमन है, यहाँ पे 253 है, यहाँ पे 5, 4, 6 है, तो एक ही वर्ड दोनों जगह पे कॉमन नहीं है, 5, 5 क्या है, दोनों जगह कॉमन है, इसको 5, 5 को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे यदि गोल से करे हैं ना, तो यहाँ पे भी गोल से करिए, इस जो है क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगा, क्योंकि एग्जाम में बड़ा बड़ा भी दे देता है। उसके बाद पढ़िए, 378 का अर्थ है बाई गुड बुक्स, तो 378 का अर्थ है बाई गुड बुक्स, मतलब कि बुक जो है क्या है, अच्छा खरीदो, इतना नहीं करना है, तो बाय गुड बुक्स। एक बात बताइए, यहाँ पे कौन कौन सा कॉमन है, तो बुक्स यहाँ पे भी है और बुक्स यहाँ पे भी है, तो बुक्स को कर लीजिए, तो यहाँ पे एक वर्ग से कर लेना है, वर्ग या रेक्टेंगल बुक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों जगह पे बुक्स बुक्स कॉमन हो गया। यहाँ पे दोनों जगह पे कौन कौन सा कॉमन है, तो 3 और 3 क्या है, दोनों जगह पे, बाकी कोई है कि जो यहाँ पे दोनों जगह पे नहीं है, तो 3 को क्या करिए, वर्ग से कर दीजिए रेक्टेंगल से, और यहाँ पे भी 3 को रेक्टेंगल से। हम लोगों को क्या करें कि इस कोड में आर किसका अर्थ है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बुक्स के जगह पर क्या हो गया 3, ओल्ड के जगह पर क्या हो गया 5, तो बच गया क्या, आर इधर बच गया, इधर 2 बच गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 ही ना हो जाएगा, तो यहाँ से आर का कोड जो है 2 है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, मतलब कि स्काई जो है ब्लू है, तो 4
आठ, एक आठ क्या है, स्काई इज ब्लू। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो चार आठ एक आठ क्या है, स्काई इज ब्लू। तो यहाँ पर देख के डायरेक्ट इसको घेर नहीं देना है, दूसरा को पढ़ना है। दो चार छः का अर्थ है सी इज डीप। दो चार छः का अर्थ है क्या, सी इज डीप, इज डीप। अब एक बात बताइए, दोनों जगह पे कौन सा कॉमन है, स्काई यहाँ पे, स्काई नहीं है, इज है यहाँ पे भी है। तो इज को क्या करिए, एक गोला बना लीजिए। आपको वर्क बनाना है तो वर्क बनाइए, कुछ बनाइए। इज ब्लू डीप दोनों जगह पर क्या है, तो इज क्या है, दोनों जगह पर कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा जो है नंबर कॉमन है, तो यहाँ पर क्या है, चार है, यहाँ पर भी चार है। तो दोनों जगह जो है चार चार कॉमन है, तो दोनों को घिरवट दिया कि इज का चार है, यहाँ पे भी इज का कोड चार है। उसके बाद क्या करा है, और छ नौ आठ का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। मतलब कि छ नौ आठ का अर्थ है सी लुक्स ब्लू, सी जो है लुक्स कैसा है, ब्लू। अब एक बात बताइए, सी लुक्स ब्लू, यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे भी ब्लू है, तो ब्लू ब्लू को क्या करिए, घेरा दे दीजिए। यहाँ पे भी ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू है, यही ना। तो क्या करिए कि ब्लू यहाँ पे भी ब्लू, तो ब्लू का कोड यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा कॉमन है, आठ है यहाँ पे, अब ब्लू की जगह पे यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, आठ कर सकते कि नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, आठ आठ दोनों में कॉमन है। अब ब्लू है यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ब्लू का कोड यहाँ पर क्या आठ हो जाएगा और यहाँ पे भी इससे क्या हो जाएगा आठ। हमसे क्या पूछ रहा है कि ब्लू के लिए कोड कौन सा है, तो ब्लू के लिए कोड कौन सा है, तो ब्लू बराबर आठ हो जाएगा। स्काई के लिए कोड कौन सा है, तो स्काई बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन करा है, एक कुट भाषा में 123 का अर्थ है गरम फिल्टर्ड कॉफी। मतलब कि 123 का जो अर्थ है गरम फिल्टर्ड कॉफी, एक दो तीन का अर्थ है गरम फिल्टर्ड कॉफी। अब तो आप लोग को बनाने आया गया ही होगा गरम फिल्टर्ड कॉफी। उसके बाद करा है तीन पांच छ का अर्थ है बहुत गर्म दिन। तीन पांच छ का अर्थ है बहुत गर्म दिन, गर्म दिन है, बहुत जो है गर्म दिन है। तो यहां पर देख रहे हैं क्या, दोनों जगह पे गर्म गर्म क्या है कॉमन है, तो इसको गर्म को गोला से घेर लीजिए, आगे गोल से घेर लीजिए, तो गर्म गर्म खोल। अब यहां पर कौन सा नंबर है जो कि दोनों जगह पे, तो तीन और तीन देख रहे हैं कि दोनों जगह पे है, तो तीन तीन को घेरवट दीजिए, यहां पे भी गोला कर दीजिए और यहां पे भी गोला हो गया, और कोई तो कॉमन है नहीं दोनों में। अब अगला पढ़िए, बहुत गर्म दिन पांच आठ, 356 का अर्थ है बहुत गर्म दिन, आप पांच आठ नौ का अर्थ है दिन और रात। तो पांच आठ नौ का अर्थ है दिन और रात, दिन और रात। तो एक बात बताइए, दिन यहां पे भी और दिन यहां पे भी, और कुछ कॉमन है दोनों जगह पर, यहां पे बहुत है यहां पे और रात है, तो यहाँ पे क्या करें, दिन है, तो दिन को इसे बना दीजिए, इसको भी दिन को क्या ट्रेंग वर्ग से घेर दीजिए। अब यहाँ पर दिन दिन क्या है, दोनों जगह पे कॉमन है, तो यहाँ पे देखें कि दोनों में कौन कौन कॉमन है, तो यहाँ पे पांच है या यहाँ पे भी पांच है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे पांच पांच को वर्ग से घेर दीजिए। अब कह रहा है बहुत के लिए कौन सा अंक है, मतलब कि बहुत के लिए कौन सा कोड या अंक है, तो बहुत की जगह कौन सा होगा, गरम के जगह तीन हो गया, दिन के जगह पांच हो गया, तो बहुत के लिए कौन सा बच गया, छ है ना बचा, तो बहुत के लिए जो कोड है क्या है, छ है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो बहुत के लिए कौन सा कोड है, तो छ कोड है। तो आज के लिए इतना ही, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।